अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक जो कि समर्स के लिए है। जैसे कि आपको पता ही है गर्मियाँ आ चुकी हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारा चेहरा एकदम डल हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता, पिम्पल्स आना शुरू हो जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है। इस फेस पैक से हमारी ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हमारा चेहरा एकदम फ्रेश और ग्लो दिखेगा। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। हमें चाहिए टमाटर। टमाटर को हमने काट के उसके अंदर का पल्प निकालना है, लेकिन याद रहे कि टमाटर बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उसका पल्प आराम से निकल जाए। इसका जो पल्प है वो हमने निकाल लिया है अंदर से। हमने इसको, आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। मेरा टमाटर नरम था तो मैंने आराम से जो है इसका पल्प निकाल लिया है। उसके बाद हमें लेनी है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। इसके बाद हमने ड्राई मिल्क होता है, सूखा दूध, वो लेना है। इससे हमारी स्किन जो है वो वाइटनिंग होगी। इन चारों चीज़ों को लेके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा फेस पैक जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ बना है। इसके बाद हमने इसको अपने फेस पर जो है अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट तक हमें इसको अपने फेस पर लगा के छोड़ देना है। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाए तो हमने अपने फेस पे हल्का हल्का रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और इसको 5 मिनट तक मसाज कर देना है। मसाज करते करते हमें इसे ठंडे पानी से रिमूव कर देना है। आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो भी सन टैन है, जो भी आपके चेहरे पर एक्ने हो गए होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और गर्मियों में जो हमारे चेहरे पर ऑयलिंग की शिकायत होती है इससे वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।